हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आई डिस्कस द टॉपिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सरसाइज थेरेपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगी कि ड्राइव पोजिशन, पोजिशन ड्राइव फ्रॉम स्टैंडिंग, मतलब जो स्टैंडिंग पोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं उससे जो पोजिशन ड्राइव की हैं उनको हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको एक जो है वो पोजीशन जो है वो डिटेल से करवाऊंगी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ओनली द डिस्क्रिप्शन एंड द स्टैटिक मसल वर्क टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द आर्म इज गिवन एंड द फंडामेंटल पोजीशन टू विच इज एडेड एंड इज नॉट रिपीटेड। अब इसकी हम विंगिंग स्टैंडिंग की पोजीशन की बात कर लें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है वो डायग्राम में दिखाऊंगी कि विंगिंग स्टैंडिंग पोजीशन होती क्या। ये वाली बेसिकली ये जो हमारे पास पोजीशन है ये हमारे पास विंगिंग स्टैंडिंग पोजीशन है, मतलब कि हमारे जो आर्म्स हैं वो हमारे पास इली क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर लो विंगिंग स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो वो हमारे हैंड जो है वो इन फ्रंट ऑफ हिप आप कह सकते हैं, मतलब इस जगह पर हमारे जो है वो हैंड्स आ जाते हैं। अब आपको पोजीशन की समझ आ गई होगी, होप सो। अब हम बढ़ेंगे इसके पूरे मसल्स वर्क की तरफ, इसका पूरा हम जो है वो इसकी पोजीशन को साथ रखते हुए मैं पूरा दिखाऊँगी। तो सबसे पहले विंगिंग पोजीशन में अब मैं आपको पोजीशन इसकी बता दूं कि सबसे पहले इसकी हील्स जो हैं वो टुगेदर होंगी और टोज जो हैं वो स्लाइटली अपार्ट्स होंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस तरह से विंगिंग स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं पेपर में तो आपको चांस है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर इस तरह पूरे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, एक तो ये कि बहुत ईजी है याद करना, दूसरा ये कि इसमें हर चीज़ जो है वो एज आ ईजी वे में लिखी हुई है मैंने, आप ये याद कर लें आपके 10/10 क्वेश्चन में मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें जो है वो उन्होंने पोजीशन और मैं मसल्स को साथ साथ लेके चलूँगी, आपने फुल फोकस जो है हमारे पास रखना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि वो हील्स जो है वो हमारे पास टुगेदर होंगे और टोज जो है वो स्लाइटली अपार्ट होंगे। अब हील्स के अंदर कौन कौन से मसल वर्क कर रहे हैं वो आपको पता है कि प्लांटा फ्लेक्सर और डोर्सी फ्लेक्सर, ये दो मसल्स हैं जो कि एक दूसरे के काउंटर बैलेंस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करके काउंटर बैलेंस जो है वो करते हैं। इवर्टर और इनवर्टर भी काउंटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये पाँव है, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, ये प्लांटा फ्लेक्सर, अगर ऐसे है तो ये डोर्सीफ्लेक्सर, दोनों वर्क करके काउंटर बैलेंस करके पाँव को जो है वो ज़मीन के ऊपर या अर्थ के ऊपर ऐसे स्टेबल कर रहे हैं। अगर ये अंदर की तरफ जाए तो इनवर्टर, अगर पाँव बाहर की तरफ आ रहा है तो ईवर्टर। मतलब इस तरह भी पाँव नहीं है, इस तरह भी पाँव नहीं, पाँव बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। इस वजह से ईवर्टर और इन्वर्टर काउंटर बैलेंस करके हमारे पास जो है वो पाँव की पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे आ जाती है नीज़। नीज़ हमारे पास बेसिकली एक्सटेंड हुई होती हैं, नीज़ हमारे पास एक्सटेंड हुई होती हैं, तो इसके लिए जहाँ पे एक्सटेंड हुई है तो वहाँ पे एक्सटेंसर्स ऑफ नीज़ जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है। नीज़ जहाँ पे भी एक्सटेंड हुई होगी या स्ट्रेट नहीं होगी वहाँ पे एक्सटेंसर्स काम करेंगे। यहाँ पे आप लिख लें कि ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, नाम से इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे एक्सटेंड है तो वहाँ एक्सटेंसर। अब हिप जो है वो एक्सटेंडेड होगी और जो पेल्विस है वो हमारे पास फिमोरल हेड पे बैलेंस होगा, तो हिप एक्सटेंडेड है, इस वजह से एक्सटेंसर्स ऑफ हिप जो है वो वर्कआउट करेंगे टू एक्सटेंडेड द हिप। अगर स्पाइन की बात कर लें, हम नीचे से स्टार्ट हुए हैं और हम पूरा जो है डिटेल से देखेंगे, तो स्पाइन की बात करें तो स्पाइन हमारे पास स्ट्रेच होगी, ठीक है। और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि स्पाइन हमारे पास ये देखें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है, ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पे एक्सटेंसर्स ऑफ स्पाइन वर्क करेंगे। आगे शोल्डर जो है, अगर आप शोल्डर देखें यहाँ पे, ये देखें शोल्डर जो है वो बेसिकली अबडक्ट हुए हुए, मतलब अगर तो ये साथ इस तरह होते इस तरह स्ट्रेट जैसे ये है, ये देखें बनाओ तो ये एडक्टेड फॉर्म होती। अब ये अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करें तो ये अबडक्ट है, ठीक है, ये अबडक्टेड है, इस वजह से इसके जो है वो एडक्टर्स वर्क करेंगे, ठीक है। अब जो एल्बो है वो हमारे पास बेंड हुई हुई है, एल्बो बेंड हुई हुई है, ठीक है, इस वजह से हालांकि एल्बो जो है वो फ्लेक्शन फॉर्म है लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसर ऑफ एल्बो वर्कआउट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमेशा जो मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक मसल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या
जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी डोमिनेंसी जो है वो दिखाता है, इस वजह से जो वीक मसल है वो ज़रा कह लें कि छुप कर जाता है, इस हिसाब से इसके यहाँ पे एक्सटेंसर्स वर्क करेंगे। अगर रिस्ट की बात करें तो रिस्ट हमारे पास एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो रिस्ट के एक्सटेंसर्स वर्क करेंगे। अगर फिंगर्स की बात कर लें तो फिंगर्स हमारे पास एडक्टेड है, एक्सटेंडेड है और इंटीरियर साइड पे मतलब फ्रंट साइड पे, तो वही फिंगर्स के एक्सटेंसर और एडक्टर्स वर्कआउट करेंगे। अगर इसका वर्टेक्स देख लें तो वर्टेक्स जो है वो अपवर्ड होगा, एयर एट द लेवल ऑफ द शोल्डर होंगे, ठीक है, तो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ऑफ एटलैंटोसिपेटल जॉइंट जो है वो वर्कआउट करेंगे। और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो मैंने बता दिया था कि अपर विंग स्टैंडिंग में और लोअर विंग स्टैंडिंग में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस यही था कि अपर विंग स्टैंडिंग में हमारे पास जो हैंड्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे इलियक क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो लोअर स्टैंडिंग है आप उनको कह लें कि इन फ्रंट ऑफ हिप जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होगा। यही था, तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।